जो एक फ्रेम में आना मुश्किल हो रहा है। वाह, गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संजय रॉय। सो आज एक नए ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर हूं आप लोग के समक्ष। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूं जिला गरियाबंद और आज मैं प्रिया को एक सरप्राइज़ देने वाला हूं। सो उसके लिए हम आज लेने वाले हैं एक स्कूटी। सो उसके लिए हम अभी निकल रहे हैं। सो आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भाई को यूँ सपोर्ट करते रहिएगा। तो दोस्तों, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और जा रहे हैं गरियाबंद जिला। तो दोस्तों, हम लोग बस से उतर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं गरियाबंद के शोरूम में। गरियाबंद हम उतर चुके हैं, गरियाबंद जिला है ये। तो शोरूम पहुंच के मैं आपको आगे का हाल समाचार दिखाता हूं। तो दोस्तों, शोरूम जाने से पहले हम रुके हैं भुट्टा खाने। तो प्रिया को भुट्टा खाना है और अभी बरसात के मौसम में भुट्टा सबसे पसंद दिया खाने का सामान होता है और मुझे काफ़ी पसंद। तो चलिए खाते हैं भुट्टा। लग रहा है भुट्टा खाने के हैं। मीठा है, टेस्टी भुट्टा। तो दोस्तों, हम गरियाबंद के रोड में हम चल रहे हैं क्योंकि हमने जाना था इस साइड और हम चले गए थे इस साइड, फिर हमको उल्टा जाना पड़ रहा है और करीबन लगभग आधा किलोमीटर हमने अभी तक हमने चला है और आधा किलोमीटर करीबन और जाना है। दोस्तों, हम शोरूम आ चुके हैं और काफ़ी स्कूटी यहाँ देखने के बाद कलर समझ में नहीं आ रहा था। तो कलर हम ये कलर ले रहे हैं, नेवी ब्लू, और एक ब्लैक भी हमको पसंद आया था, ये ले सकते हैं, ये ब्लैक। तो फिलहाल अभी हम ये नेवी ब्लू को सेलेक्ट किए हैं। मैडम बोल रही है कि हमको यही लेना है। तो देखते हैं, सब कुछ हो चुका है। Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. हम आ चुके हैं भुतेश्वर नाथ मंदिर में। यहाँ पास भोलेनाथ का शिवलिंग है और हमने काफ़ी जगह के बारे में सुना था, आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए माँ देवी। और ये भोलेनाथ जी के त्रिशूल और ये हमारा आ गया नंदी महाराज। और सामने देखिए ये है शिवलिंग भोलेनाथ जी का। और आगे का आपको प्रिया दिखाएगी। नंदी भगवान और ये हमारे शिव, जो एक फ्रेम में आना मुश्किल हो रहा है। वाह, मतलब सावन में इनके दर्शन। ये स्कूटी ला रहे हैं पूजा के लिए। घुमा के जी हाँ। हाँ ये डायरेक्शन। Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Come and fly away with me. जय बजरंग बली। तो दोस्तों ये शिवलिंग का पीछे वाला हिस्सा है और ये है नाग देवता और ये है शिव पार्वती प्रतिमा। देखिए और ये जगह काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों हम अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि शाम काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है और हमको यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर भी जाना है। तो समय के अभाव को देखते हुए अपन यहाँ से निकल रहे हैं जितना और प्रिया का न्यू स्कूटी, तो इसको आप कॉन्वर्सेशन बोलिएगा और इसको बोलिएगा कि स्कूटी ध्यान से चलाए, संभल के चलाए और सेफ्टी से चलाए, ठीक है। तो हम घर जाके इस ब्लॉग का हम एंडिंग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो हम आ चुके हैं रिटर्न मैनपुर और अभी लगभग बज रहा है 9:25 और करीबन हमको गरियाबंद से मैनपुर करीबन 1 घंटा नेट लगा और रात काफ़ी मतलब अंधेरा था जिस वजह से मैं स्लो चला रहा था, तो 1 घंटा हमको लगभग लग ही गया। तो आज के ब्लॉग उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट एंड बाय एंड लव यू ऑल।